फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि IRCTC अकाउंट कैसे बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल धीरज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप IRCTC अकाउंट बनाना चाहते हैं और आपको पता नहीं कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। IRCTC अकाउंट बनाने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से IRCTC रियल कनेक्ट ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा, तो आप परमिशन अलाउ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे COVID-19 से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस शो करेंगे जो आपको ट्रेवल करते समय फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद IRCTC ऐप्स का होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। फ्रेंड्स, नया अकाउंट बनाने के लिए हमें यहाँ माई अकाउंट पे क्लिक करना है, तो चलिए माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे नया अकाउंट बनाने के लिए हमें रजिस्टर यूजर का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें यहाँ रजिस्टर यूजर पे क्लिक करना है। रजिस्टर यूजर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अपने सारे डिटेल को इंटर करना पड़ेगा, तो चलिए हम अपने डिटेल को इंटर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, तो चलिए मोबाइल नंबर को इंटर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने मोबाइल नंबर को इंटर कर लिया। अब यहाँ पे नीचे में हमें ईमेल आईडी इंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, तो चलिए ईमेल आईडी को इंटर करते हैं। अब मैंने अपने ईमेल आईडी को इंटर कर लिया। ईमेल आईडी को इंटर करने के बाद नीचे में ऑप्शन मिलेगा यूजर नेम का, तो हमें एक यूजर नेम बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम यहाँ पे अपना यूजर नेम बनाते हैं। फ्रेंड्स, यूजर नेम बनाते समय आप ध्यान रखिएगा कि आप जो यूजर नेम बनाएंगे, हो सकता है वो ऑलरेडी पहले से कोई और रजिस्टर्ड किया हो उस यूजर नेम को। अगर ऐसा होता तो आप दूसरा यूजर नेम बना लीजिएगा, या तो उसी यूजर नेम में आप कुछ चेंज करके आप यूजर नेम को बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपने यूजर नेम को बना लिया है। यूजर नेम को बनाने के बाद नीचे में ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड का, तो अब हमें यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड में आपको अल्फाबेट और नंबर दोनों का इस्तेमाल करके आपको पासवर्ड बनाना है, और उसमें भी क्या है कि आपका कैपिटल लेटर पहले होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसके बाद आपको लास्ट में नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप कोई भी नंबर यूज़ कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से पासवर्ड बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दिया है कि इस तरीके से आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो फ्रेंड्स, मुझे जो पासवर्ड बनाना है उस पासवर्ड को मैं यहाँ पे इंटर कर ले रहा हूँ। पासवर्ड को इंटर करने के बाद यहाँ नीचे कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करके उसी पासवर्ड को फिर से हमें यहाँ पे री इंटर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फिर से उस पासवर्ड को री इंटर कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों को यहाँ पे इंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट नेम का, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम अपना डालना है, तो चलिए फर्स्ट नेम को इंटर कर लेते हैं। फर्स्ट नेम को इंटर करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा मिडिल नेम का, तो फ्रेंड्स आपके नाम में अगर कोई मिडिल नेम होगा तो आप यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। मिडिल नेम इंटर करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा लास्ट नेम का, तो फ्रेंड्स अगर आपके नाम में कोई लास्ट नाम होगा या टाइटल होगा तो आप लास्ट नेम को इंटर कर लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लास्ट नेम को इंटर कर ले रहा हूँ। अब मैंने अपने लास्ट नेम को इंटर कर लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट में मिलेगा हमें डेट ऑफ बर्थ का, तो चलिए हम अपने डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ओके पे क्लिक करके आप इसको सेव कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से ओके पे क्लिक करके इसको हम सेव कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको जेंडर सेलेक्ट करने का, तो आप यहाँ से अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका जेंडर होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा जेंडर मेल है, तो मैं यहाँ से मेल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मेल को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा नेशनलिटी का, तो नेशनलिटी में हमें यहाँ इंडिया सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेशनलिटी को इंटर करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन का, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा और उसका आंसर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करिए एक क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए कई सारा क्वेश्चन शो कर रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन को सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं पहले इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सिक्योरिटी आंसर पे क्लिक करके उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आंसर डाल लेते हैं। आंसर डालने के बाद फ्रेंड्स, आप जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे उसका जो आंसर आप डालेंगे उसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप पासवर्ड भूल जाएंगे, आप पासवर्ड रिसेट करेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर डालना पड़ेगा, तभी आप पासवर्ड को रिसेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था उसका यहाँ पे आंसर इंटर कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन
लेगा ऑक्यूपेशन का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑक्यूपेशन हमें इंटर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ऑक्यूपेशन का इंटर करना कोई जरूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो इंटर कर लीजिएगा या तो आप छोड़ दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ ऑक्यूपेशन में प्राइवेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। प्राइवेट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मैरिटल स्टेटस का। फ्रेंड्स आप चाहें इसको इंटर कर लीजिएगा या तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारी डिटेल को फिल कर लिया है, अब यहाँ पे नेक्स्ट करना है, तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैं अपने एड्रेस को इंटर करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए एड्रेस को इंटर कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा रेसिडेंस एड्रेस का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें अपने होम एड्रेस को इंटर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपने होम एड्रेस को इंटर कर लिया। अगर आप अपने होम एड्रेस को ऑफिस एड्रेस भी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ बॉक्स में टिक कर लीजिएगा, आपका होम एड्रेस ऑफिस एड्रेस भी हो जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा स्ट्रीट और एरिया का, तो आप चाहे इसको इंटर कर लीजिएगा या तो आप छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट कंट्री का, तो हम यहाँ कंट्री में इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स इंडिया को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको पिन कोड इंटर करने का, तो आपका जो भी पिन कोड होगा आप यहाँ पे उसको इंटर कर लीजिएगा। पिन कोड को इंटर करने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा सिटी इंटर करने का, तो फ्रेंड्स आपका जो भी सिटी होगा उसको आप यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। सिटी को इंटर करने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा स्टेट का, तो फ्रेंड्स आपका स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा पिन कोड डालने के बाद। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस का, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप अपने पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका पोस्ट ऑफिस होगा। पोस्ट ऑफिस को इंटर करने के बाद यहाँ सबसे नीचे में ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर डालने का, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जो आप पहले रजिस्टर्ड किए थे, आपको उसी नंबर को यहाँ पे फिर से दोबारा डालना है। उसके बाद यहाँ रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारी डिटेल को अपने फिल कर लिया। डिटेल को फिल करने के बाद अब यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है, तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद हमारे IRCTC की ID बन जाएगी। फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ गया है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए यूजर नेम दिया है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे यूजर नेम के साथ साथ आपको बोला गया है कि आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करिए, तो हमें वेरीफाई करने के लिए हमें अपने अकाउंट को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, तो चलिए लॉगिन करते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ हमें ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, तो फ्रेंड्स चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा, तो फ्रेंड्स आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड को इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा कैप्चा का, तो आपको इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे OTP जाएगा, तो आपको उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ यूजर वेरीफाई पे क्लिक करके आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कुछ भी गलत हो जाता तो आप यहां एडिट पे क्लिक करके आप इसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर पे OTP सेंड करना है, तो मोबाइल नंबर पे OTP सेंड करने के लिए यहां सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद यहां ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। उसके बाद हमें ईमेल आईडी पे OTP सेंड करना है। ईमेल आईडी पे OTP सेंड करने के लिए यहाँ नीचे सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे ईमेल आईडी पे OTP आ जाएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे OTP आ चुका है, तो मैं यहाँ OTP को इंटर कर लेता हूँ। फ्रेंड्स मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों OTP को यहाँ इंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ नीचे वेरीफाई यूजर पे क्लिक करके इसको हमें वेरीफाई करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ वेरीफाई यूजर पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई यूजर पे क्लिक करने के बाद हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ कांग्रेचुलेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका OTP वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पिन बनाने का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें यहाँ पे 4 अंक का पिन बनाना पड़ेगा। पिन बनाने से फायदा ये होगा कि कभी भी हम लॉगिन करेंगे तो हमें बार बार आईडी पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा, पिन डालने से अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पिन बना लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे इंटर पिन पे क्लिक करके आप 4 अंक का पिन बना लीजिएगा। उसके बाद उसी पिन को यहाँ पे कन्फर्म पिन पे क्लिक करके आप पिन को इंटर कर लीजिएगा। दोबारा पिन बनाने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। ओके पे क्लिक करने के बाद पिन जनरेट हो जाएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारा IRCTC अकाउंट पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम चाहे तो टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको IRCTC अकाउंट बनाने में कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।